स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ढोलक में जितने भी छल्ले पैटर्न बजाए जाते हैं, जो छल्ले के साथ बजाए जाते हैं इस छल्ले के साथ में, तो आज मैं वो आपके मतलब सामने बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे बजाते हैं वो। और चार पांच पैटर्न है तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ आज। जितने भी है सारे प्रोफेशनल हैं, जो आप ज़्यादातर फिल्मी गानों में सुनते हो हर जगह, तो वही है दोस्तों। और इसे सीखने के लिए बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास में, और कई लोगों ने फोन लगा के भी मुझसे बोला है, तो आज मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, इसे हर जगह शेयर करें दोस्तों, ताकि सारे लोग सीख सकें। बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए दोस्तों, सारे लोग सीख सकें और वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो जो भी पैटर्न है मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये हो गया, गानों में सुनते हो। आसान पैटर्न है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चलन इनका मुश्किल रहता है, थोड़ा सा जो हमारी लय है उसे थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी आपका सब आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा हाथ बैठाने के लिए आपको अच्छा छल्ला लेना पड़ेगा पहले नंबर, इसके लिए थोड़ा सा मोटा हो ताकि आपके जो ढोलक का ये रहता है ना, इसमें टच हो सके, वो अच्छे से आवाज निकले उसमें से। तो इस तरीके से हमें छल्ला बनवाना है, अपना हिसाब से आप बनवाइए जितने में आपकी आवाज निकलती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था आपको धी धा धाना ती धा धाना, ये वाला पैटर्न है धी धा धाना ती धा धाना। ये कव्वाली टाइप में लगता है ये पैटर्न, और काफी जगह लगा है, तो इसे हम देखते हैं दोस्तों। अब फिर से सुन लीजिए। यहां से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको धी साथ में, दोनों धा के साथ में धी धा धा ना, इस तरीके से धी धा धा ना ती धा धा ना। छल्ले पर मारेंगे इस तरीके से धी धा धा
इस तरीके से धी धा धा ना, धी धा धा ना, धी धा धा ना, धी धा धा ना। इस तरीके से। और इसमें एक छोटा सा मतलब एक बताने का तरीका और है, इसमें जो आपका बेस है आपको इसका लय समझना है, थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपको धी आगे मानना है, धा धा ना, तो धी धा धा इस तरीके से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इससे आपका बेस भी अच्छा होगा और ये छल्ला और भी खूबसूरत लगेगा। धी धा धा ना इस तरीके से, धी धा धा ना, तो धी धा धा ना, 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 इस तरीके से। तो ये हो गया एक पैटर्न दोस्तों। अब दूसरा है, दूसरा ये ले लीजिए, सिंपल है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करना है पहले। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये तीन चार पैटर्न जो है कि अपने आप आ जाएंगे अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तो पैटर्न पर आते हैं दोस्तों, देख लीजिए, सिंपल है। फिर से छल्ले में टच करना है हमें धी और ती को, तो धी धा धाना ती, वो सॉरी, या फिर धीना धीना तीना धीना, इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं, धीना धीना तीना धीना, धीना धीना तीना धीना, तो धीना धीना तीना धीना, 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 धीना धीना तीना धीना। इस तरीके से बोलिए, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, धीना धीना तीना धीना। तो इस साइड से भी देख लीजिए, सिंपल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। धीना धीना तीना धीना, धीना धीना तीना धीना, धीना धीना तीना धीना, सिंपल। धी में हम हाथ को ऐसे फ्लैट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी मार सकते हैं, चाहे तो आप मारे ना, पैर इससे भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। तो धीना धीना तीना धीना, सिंपल, धीना धीना तीना धीना, धीना धीना तीना धीना। इस तरीके से आपको बजाना है। तो दोस्तों आप एक बार और स्लो में थोड़ा सा देख लीजिए, कई लोग का कमेंट आता है कि दोस्तों सर हमें समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए आप। धीना धीना तीना धीना, धीना धीना तीना धीना। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बताता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपको जल्दी सीखने को मिले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड में भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो इस कारण से। चलिए अब दूसरा पैटर्न है एक और तीसरा, मैं दो बता चुका हूँ आपको, तो अब ये तीसरा पैटर्न। इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर धी धाना ती धाना इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बहुत से बोलने का आपका तरीका, आप जैसे भी सेट करें, धाना तक धाना इस तरीके से। मुश्किल पड़ता है दोस्तों एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने तो आ जाता वो, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे भी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है। तो देख लीजिए, धा या फिर धा 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 ना ता
का हमें उंगली से मारना है, बिल्कुल साइलेंटली ये टच होके जाएगा पीछे, धाना तक धाना तक धाना, या फिर आप छल्ले से भी ले सकते हैं, दो वैरायटी से ले सकते हैं इस पैटर्न को, तो धाना तक धाना आप देख लीजिए साइड से, धाना तक तक उंगली से क धाना दे धाना दे सॉरी दे धाना त छल्ले से त क उंगली से क धाना दे धाना तक धाना दे धाना तक धाना दे धाना तक धाना आपको बोल सारे डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों, फिर से देख लीजिए, धे धा ना ता उंगली से का फिर धा ना, सिंपल है, धाना तक धाना दे धाना तक धाना, आप कुछ भी इसे बोल में आप धा भी बोल सकते हैं, धिक भी बोल सकते हैं, धक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, धक धाना तक धाना इस तरीके से भी, तो धित आप बोले धित ज्यादा सही है, धित धाना तक धाना इस तरीके से, धित धाना तक धाना धित धाना तक धाना सिंपल, इस तरीके से दोस्तों। अब एक लास्ट पैटर्न जो है वो सबसे खूबसूरत है हमारे जो फिल्मी गानों में बजता है, वो मैन बजता है समझ लीजिए पैटर्न, और आप उसका चलन देख लीजिए थोड़ा सा, इस साइड से देखिए ताकि आपको हाथ भी थोड़ा सा दिख जाए, हम बजाते हैं हर जगह इसे और ज्यादातर मैं भी इसे ही बजाता हूँ, सिंपल है, समझना है हमें इसकी, जैसे कि मैं ये पैटर्न बजा रहा हूं तो आप इसे सुन के आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसे भी साथ में प्ले कर लीजिएगा, तो आपका जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, इसके आपको बोल के प्रैक्टिस करना है, फिर आपको वीडियो के साथ में इसे बजाना है, तो आपका सिंपली आ जाएगा, ये देख लीजिए, फिर से मैं बजा के फास्ट में बता रहा हूं ताकि आपको चलन का पता चले इससे, सिंपल है दोस्तों। तो आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो धा की धा सॉरी धा धाना देख लीजिए, या फिर आप धाती धीना ताती धीना इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसे, इसे भी, तो चलन अलग अलग है, बोल वही है, कहरवा धागे नाती नग दिन में ही सारे पैटर्न आ जाते हैं, अगर मैं कुछ भी बजाऊं वो धागे नाती नग दिन भी बोलूंगा तो भी वही आएगा, देख लीजिए, धागे नाती नग दिन धागे नाती नग दिन धागे नाती नग दिन, सिंपल। जैसे अब एक और पैटर्न मैं जाता हूं, सारे पैटर्न एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा सा बोलों का फेर बदल कह सकते हैं या फिर हाथ का फेर बदल, तो देख लीजिए दोस्तों इस पर कैसे बजाना है आपको, तो धा ती धी ना आपको धा ती आगे मारने, हाँ दबा के आवाज नहीं या फिर ना नहीं आवाज दबा के, धा ती धी ना ता ती धी ना, Thank you.
थोड़ा सा आगे मारे दबा के थोड़ा सा, सिंपल इसमें हाथ का जो चलन होगा देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा हाथ का चलन, तो देख लीजिए। और ये सच में बहुत आसान है, सारे पैटर्न जितने भी हैं, तो देख लीजिए फिर से एक बार, तो धा या फिर धा ती धी ना, इस तरीके से धा ती धी ना ता ती धी ना, तो धा और ता इसमें आपको छल्ला बजाना है, धा इस तरीके से धा ती आगे देख लीजिए, धी में भी सॉरी छल्ला बजाना मैं भूल गया था, बहुत सारे पैटर्न रहते तो दिमाग से निकल जाता है, तो धाती धीना ताती धीना इस तरीके से, धाती धीना ताती धीना इस तरीके से, धाती धीना ताती धीना, जो ती है वो आगे बजेगा इधर आगे, धाती धीना ताती धीना। साइड से भी देख लीजिए आप कैसा बजाना है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। और जब तक हमारा भारत लॉकडाउन चल रहा है जब तक मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और शेयर जरूर करें हर जगह। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रहिए अपना, और मैं ऐसे ही आपको सिखाना चाहता हूँ और अच्छे से सिखाना चाहता हूँ ताकि सारे लोग अच्छे से अच्छी ढोलक बजाएं। और दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।